दिस इज शीन हियर एंड यू आर वॉचिंग ओपिनियन। सभी लोग हाजिर हैं अपनी एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ में, जो कि हम लोग बताने जा रहे हैं कि विच फोन्स आर गोइंग टू गेट लॉन्च इन द मे मंथ, जिसमें कि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वो अपकमिंग फोन्स के बारे में जो कि हमारे मे मंथ में लॉन्च होने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल मंथ बहुत अच्छा बीता हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए फोन्स के बारे में जाना, जो कि हमारे अप्रैल को छोड़कर मे का मंथ कैसा होगा वो देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा हम सभी के लिए। तो ये स्पेसिफिक डेट्स नहीं बताऊंगी, जो कि रूमर डेट्स है और जिन पे मैंने रिसर्च करी है उन्हीं चीजों को बताऊंगी। फर्स्टली बात कर लेते हैं हमारे नए अपग्रेडेड फोन के बारे में, जो कि आ रहा है गूगल की गूगल 8A। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स लॉन्चिंग डेट। तो ये लॉन्च होने जा रहा है 14th of May को, और इसी के साथ ही आप जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये फोन लॉन्च होने जा रहा है टेंसन के साथ में। अब टेंसन के साथ में एक इशू होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट। लास्ट टाइम जब गूगल ने अपना फोन लॉन्च किया था तो उसमें भी एक ही प्रॉब्लम देखने को मिला था, वो है हीटिंग इफेक्ट। इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के ही महीने में ये लॉन्च हो रहा है। इसकी प्राइसेस में कोई भी ऊपर नीचे का फर्क नहीं आया, प्राइसेस एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए यहाँ पे टेंसन का थोड़ा सा झंझट पड़ रहा है। लेकिन चलिए बाकी के स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सो दिस फोन इज गोइंग टू गेट लॉन्च विद 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा, और उसी के साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसमें आपको मिलेगा। काफी हद तक काफी अच्छी सी चीज है जो कि मिलेगा आपको सोनी की लेंस के साथ। आपकी जो पिक्चर क्वालिटी और पिक्सल क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड होगी और अच्छी होगी। उसके साथ ही ये जो फोन लॉन्च होने जा रहा है 128GB के स्टोरेज के साथ में, उसी के साथ ही आपको इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा स्टोरेज जो कि इसके प्राइसिंग पे डिपेंड करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइसिंग। तो ये फोन लॉन्च होने जा रहा है बिटवीन 45 to 50K। अब आपको ये कैसा लगता है आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फोन विच इज पोको एक्स। तो ये फोन लॉन्च होने जा रहा है मिड मे में, इसके साथ ही अब इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये फोन लॉन्च होने जा रहा है स्नैपड्रैगन 8 के साथ में, जो 1.5K Hz की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपको काफी अच्छा और काफी ज्यादा टिकाऊ डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपके जो पिक्सल्स है वो काफी ज्यादा अपग्रेड होके आते हैं। तो पिक्चर क्वालिटी आपको एक्सट्रीमली ऐसी मिलेगी जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं। ओके, तो ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा लाइव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। 32 to 256GB की टोटल स्टोरेज के साथ में ये फोन आपको मिलेगा, और ये भी प्राइसिंग पे डिपेंड करता है इसकी स्टोरेज। अभी इसका लॉन्चिंग प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। तो ये फोन लॉन्च होगा करीबन 27,000 से 30,000 के बीच में, 27,000 to 30,000 के बीच में लॉन्च होगा। अगर ये फोन आप चाहते हैं लेना तो इसका प्राइस, इसके प्राइस के हिसाब से इसका डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है। और नेक्स्ट जो कि वन प्लस है, वन प्लस के फोन आते हैं तो एक्सट्रीमली हार्ड कोर प्रोसेसर भी प्रोवाइड होता है, लेकिन बैटरी का जो दमदार परफॉर्मेंस होता है वो तो लाजवाब है। नॉट फोन इज गोइंग टू गेट लॉन्च विद द स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 चिपसेट, जो कि काफी ज्यादा फास्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा इसके प्रोसेसर को। इसी के साथ ही आपको मिलेगा इसमें 5500 mAh की बैटरी, साथ ही आपको 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगी 1TB की 5th generational स्टोरेज, जो कि आपको बेहतरीन स्पेस देगी फोन में, स्पेस भी काफी ज्यादा मिलेगा। तो ये आपके लिए खुशी की बात है। 8 MP का रियर कैमरा मिलेगा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। क्वाइट डाउटफुल अबाउट इट्स प्राइसिंग। तो आई गेस इसका जो प्राइसिंग होगा वो बिटवीन 35 to 40,000 के बीच में होगा, या फिर 50 भी ले सकते हैं। इसका अज्यूम प्राइस अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ ये फोन जरूर लॉन्च होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा नया हीरो फोन के बारे में, जो कि आ रहा है वीवो IQ Z9। तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च होने वाला है और प्राइसिंग भी इसका काफी ज्यादा रीजनेबल रखा गया है। 2.72 inches की एमोलेड डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ ही 50 MP का इसका रियर कैमरा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्नैपड्रैगन का Gen 1 इसका प्रोसेसर मिलेगा, चार्जिंग पावर में 44W का चार्जर स्पीड ये आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब पता कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइसिंग होने वाला है वो है 16 to 17K के बीच, मतलब 16 से 17 हज़ार के बीच में आपको आराम से ही रीजनेबल वैल्यू में, रीजनेबल प्राइसेस में ये आपको फोन मिल जाएगा। ये फोन लॉन्च कब तक होगा? एक्चुअली में इसकी लॉन्चिंग डेट अभी तक तो नहीं आई है, बट आई थिंक इसका जो लॉन्चिंग डेट होने वाला है शायद अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये फोन लगभग लॉन्च हो सकता है 1st week of May में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अभी बात करती हूँ मैं आपको एक ऐसे फोन के बारे में जो कि हम सभी का फेवरेट है। यस, सो मोटोरोला इज गोइंग टू लॉन्च विद द एज 50 अल्ट्रा फोन। गॉड नोज ये फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है या नहीं। बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है ये लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई ऑल्सो डोंट नो कि लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मार्केट में इसकी काफ़ी चर्चाएं हैं क्योंकि पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द मोटोरोला टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम मोटोरोला। जो लॉन्चिंग डेट है मई है, अब मई को कौन सी तारीख में लॉन्च होगा कौन से में नहीं होगा ये नहीं पता। ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है यूरोप में, लेकिन ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, कितनी तारीख को लॉन्च होगा और कब एक्चुअली में आएगा या नहीं आएगा इसलिए ये नहीं पता है जा रहा है। स्नैपड्रैगन के साथ में उसी के साथ ही इसका 8th generation 3 का आपको चिपसेट मिलेगा। स्पीड काफी अच्छी होने वाली है। अभी ज्यादा दमदार बात बताओ तो ये 16 GB की टोटल स्टोरेज के साथ में आ रहा है, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड होगी, वो होगी 1 TB की स्टोरेज, जो कि एक्सट्रीमली हाई स्टोरेज है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। तब के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, मैं आपके लिए और भी नई नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। धन्यवाद।